फ्रेंड्स, आपने मटर पनीर तो पहले कई बार खाया होगा, पर आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही खास है, क्योंकि ये है मुगलई शाही मटर पनीर, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डीके एवरीथिंग चैनल और मैं हूँ आपके साथ कीर्ति। तो आइए देखते हैं इसमें क्या खास है। और फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। चलिए एक नजर डालते हैं इंग्रेडिएंट्स पर। इसके लिए मैंने लिया है मटर, हरा मटर है ये एक कटोरी, एक बड़ा कटोरी हरा मटर लिया है मैंने। पनीर लिया है मैंने आधा पाव। प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के रखा है मैंने। इसमें मैंने दो बड़े प्याज, 6 से 7 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक के टुकड़े का पेस्ट बना लिया है। और ग्रेवी को रिच बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 10 से 12 काजू और मूंगफली का पेस्ट। थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बनाना है। साथ ही टमाटर प्यूरी लेंगे 3 बड़े टमाटर की। दही लिया है मैंने आधा कटोरी। गरम मसाला पाउडर लेना है 1 छोटी चम्मच। नमक स्वाद अनुसार। धनिया पाउडर लेना है 2 बड़े चम्मच। रेड चिली पाउडर लेना है 1 बड़ा चम्मच। और हल्दी पाउडर लेना है 1/2 चम्मच। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हमें 2 से 3 मिनट भूनना है। दो से तीन मिनट भूनने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ काजू का पेस्ट, काजू मूंगफली पेस्ट। इसे भी थोड़ा देर भूनना है हमें। अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस, हल्दी पाउडर डाल देंगे, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और नमक डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। साथ ही इसमें डाल देंगे टमाटो प्यूरी। अब इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि ऑयल ना छोड़ दे साइड से।
ये देखिए फ्रेंड्स, मसाले ने ऑयल छोड़ दिया साइड से, मतलब मसाला हमारा रेडी है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दही। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले में। चलिए अब इसमें डाल देते हैं मटर, हरे मटर। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके 10 मिनट मीडियम फ्लेम में पकाऊंगी, जब तक ये मटर सॉफ्ट हो जाएंगे। इसे हम ढककर पका सकते हैं 10 मिनट के लिए। ये देखिए दोस्तों, मटर थोड़ा सॉफ्ट हो गए हैं और अच्छे से पक गया है ये मसाला भी। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मटर पनीर। साथ ही थोड़ा पानी ऐड कर देंगे, आधा ग्लास पानी डाल रही हूँ। अब इसे उबाल आने तक पकाना है। इसमें गरम मसाला डाल दूंगी, गरम मसाला पाउडर। तो लीजिए फ्रेंड्स, रिच ग्रेवी वाली मुगलई मटर पनीर एकदम रेडी है। आप इसका मजा लीजिए रोटी एंड राइस के साथ। साथ ही मुझे बताइए कि आपको ये कैसी लगी। मेरी गारंटी है आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे ज़रूर घर पर बनाएं।